नमस्कार, शाम के ठीक 5:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम, आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल, और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पिछले कुछ दिनों से द केरल स्टोरी फिल्म सियासत का केंद्र बनी हुई है। इस फिल्म का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ सियासी पारा चढ़ गया है और आज से ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। इस फिल्म को लेकर बवाल है और साथ ही अभी ठीक एक घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म को लेकर कर्नाटक चुनाव के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और केरला स्टोरी को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही है, कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि इस तरह की फिल्में जो सच्चाई बयां करती है, ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है इन इस तरह की फिल्मों के पीछे जो किरदार होते हैं असलियत में उनको बचाने और संरक्षण का काम करती है। हम आपको बता दें द केरला स्टोरी की जो पूरी कहानी है ये बनाई गई है, इस फिल्म की कहानी जड़ से जुड़ी हुई है, जमीनी हकीकत की दास्तान ये बयां करती है, धर्म परिवर्तन से लेकर लव जिहाद और साथ ही केरल से गायब हुई तकरीबन 32,000 कहा जा रहा है इस फिल्म में कि 32,000 लड़कियों की कहानी एक किरदार के माध्यम से यह कहा जाता है। फिल्म में बताया गया है कि कैसे केरल से लड़कियों को धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के बाद विदेश ले जाया गया, उन्हें आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में शामिल करवाया गया। इस फिल्म को लेकर एक पक्ष कहता है कि यही केरल की सच्चाई है, तो वहीं धर्म परिवर्तन और लव जिहाद भी एक असलियत है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से फर्जी है, सिर्फ एक सियासी प्रोपेगेंडा के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। कुछ दिनों पहले केरल के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि ये जो फिल्म है वो हमारे राज्य की छवि को खराब करता है। साथ ही केरल के जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और उसने कहा कि ये हमारे राज्य की छवि खराब करने वाली पिक्चर है जिसमें राज्य की एक अलग ही छवि को दिखाया गया है, प्रोपेगेंडा बेस्ड ये पूरी की पूरी पिक्चर है, इस पर सियासत हाय है। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे केरला की 3 बेटियां होती हैं जो कि हिंदू होती हैं, वो पढ़ने जाती हैं, नर्सिंग करना उनका सपना होता है, लेकिन वो किसी तरह से किसी मुस्लिम लड़की के उसमें आ जाती है, उसको ब्रेन वॉश किया जाता है। और साथ ही ये भी दिखाया गया है कि वो धर्म परिवर्तन कर लेती है, मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है, फिर वो बाद में ISI का हिस्सा बन जाती है। फिल्म में एजेंडा कितना है, सच्ची कहानी कितनी है, ये तो आप जब जाइएगा देखने तब आपको पता चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा है जहां एक से बढ़कर एक कमेंट्स आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी बात कही है। अब आ गया हमारे साथ इस फिल्म से रिलेटेड क्या कुछ बातें होंगी, जो कई इस तरह की बातें जो इस फिल्म को लेकर कही जा रही हैं कि ये प्रोपेगेंडा सेट करती है, एक राज्य की छवि को खराब करती है, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि आखिर इस पूरी फिल्म में दिखाया क्या, कहां गया क्या गया है और साथ ही सियासत कहां की जा रही है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया है और सियासत क्या है। केरल से कथित रूप से गायब हुई और इस्लाम धर्म अपनाने वाली लड़कियों की कहानी पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी पर विवाद पड़ता जा रहा है। केरल से 32,000 लड़कियों के लापता होने का दावा करने वाली इस फिल्म ने राजनीति और समाज को भी दो धड़ों में बांट दिया है। एक धड़ा फिल्म को प्रोपोगंडा कहकर खारिज कर रहा है, इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी सच्ची नहीं है, तो वहीं दूसरा धड़ा इसे केरल की वो जमीनी सच्चाई बता रहा है जिस पर अभी तक खुलकर बात नहीं हुई थी। तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने द केरला स्टोरी के निर्माताओं की आलोचना की है। इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म और इसमें मुस्लिमों को जिस तरह से दिखाया गया है उसे राज्य में संघ परिवार के राजनीतिक फायदा पाने के प्रयासों से जोड़कर देखना चाहिए। लव जिहाद का मुद्दा ऐसा है जिसे जांच एजेंसियां, अदालतें और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी खारिज कर चुकी है। यह मुद्दा अब केरल को लेकर उठाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि इसका मकसद दुनिया के सामने राज्य को बदनाम करने का है। दरअसल इस फिल्म की कहानी उन लड़कियों से जुड़ी है जो नर्स बनना चाहती थी लेकिन आईएसआईएस की आतंकी बन गई।
द केरल स्टोरी के ट्रेलर में ब्रेन वॉश, लव जिहाद, हिजाब और ISIS जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है। फिल्म का ट्रेलर आते ही मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर द केरल स्टोरी पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि सेंसर बोर्ड की ओर से ए सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म से 10 कंट्रोवर्शियल सीन हटवा दिए गए हैं। फिल्म की स्टारकास्ट का कहना है कि फिल्म की कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित द केरल स्टोरी में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। द केरल स्टोरी के ट्रेलर को काफी ट्रोल किया गया है। इस फिल्म को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। फिल्म अपनी जगह फिल्म एक कला है, तो उसके बारे में इस तरह से बात उठाना मेरे ख्याल से सही नहीं है। और जिन लोगों ने बैन की तजवीज की है उनको पहले सुप्रीम कोर्ट पे नहीं बल्कि हाईकोर्ट पे जाना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ आदेश दे दिए हैं कि हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट केरला हाईकोर्ट खुला हुआ, वहां पर आप इसके बारे में चर्चा होने दीजिए। लगातार चल रहे विवादों के बीच द केरल स्टोरी आखिरकार सिनेमाघरों में पहुंच ही गई। विवादों के चलते ही मेकर्स को फिल्म के ट्रेलर में भी बदलाव करना पड़ा। फिल्म की स्टोरी धर्मांतरण, जिहाद, हिजाब और आतंकवाद के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में किए गए दावे और तथ्यों में फर्क हो सकता है। ये भी संभव है कि फिल्म किसी खास राजनीतिक एजेंडा पर फिट बैठती हो, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि फिल्म में उठाए गए मुद्दों पर देश में विचार विमर्श होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और अब आपको इस फिल्म की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस फिल्म की चर्चा की है, जब वो कर्नाटक के दौरे पर रैली कर रहे थे उन्होंने इस फिल्म की चर्चा की और साथ ही फिल्म को लेकर दो धड़ा है जो अपनी अपनी राय रखता है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। एक बार जल्दी से धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं, बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत। कोशिश करेंगे कि शो में हम फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर सुदीप्तो सेन जी से भी बातचीत कर लें। उनका वादा था लेकिन शायद वो बिजी हैं, थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि सुदीप्तो जी भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो सबसे जो पहला सवाल है वो ये है, नेता कांग्रेस के रत्नाकर सिंह जी, कहा जा रहा है कि इस फिल्म को प्रोपोगेंडा के तहत बनाया गया है, प्रोपोगेंडा है और एक मुस्लिम समाज के विरुद्ध प्रोपोगेंडा चलाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है और इसीलिए इस पर जमकर इसे अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आप देखिए इसे ट्रेंड भी कराया जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि फिल्म प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए बनाया गया? आपको सच्चाई नजर नहीं आती इसमें? प्रीति जी देखिए, मैं इस फिल्म के बारे में यही कहूंगा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फसाना दिखाया गया, झूठे दावों के आधार पे जो है यह फिल्म को कहा जा रहा है कि ये सच्ची घटनाओं पे प्रेरित है, ये नहीं कहा जा रहा है कि सच्ची घटनाओं पे आधारित है। देखिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी है ये इस तरह की फिल्मों को बनवाती है और बनवाई जाती है। उसका कारण ये है कि मैं पिछला आपको बता दूं, द कश्मीर फाइल्स भी इसी तरह से बनवाई गई थी और आपने देखा कि उस फिल्म के बारे में क्या क्या चीजें कही गई थी और वो फिल्म का दिखाने के बाद किस तरह से कश्मीरी पंडितों पे कश्मीर में टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई, ये सबने देखा। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा फिल्मों से हसर यही होता है कि समाज जो है दो ध्रुवों में बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं समाज को उसकी हानि उठानी पड़ती है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह के ऊपर भी एक फिल्म बनवाई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं यह बदनाम करने के लिए, अब केरला वाली फिल्म ये जो केरला स्टोरी है इसके बारे में देख लीजिए वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा अपने सोशल मीडिया पे। उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे राज्य की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप ओमान चांडी के कार्यकाल को अगर याद करें तो उन्होंने एक बार कहा तो था कि हमारे राज्य में इस तरह की स्थिति है और आने वाले 5 सालों में कहीं ना कहीं ये जो संख्याएं हैं, जैसे वहां मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें ईसाई भी थी हिंदू भी थी, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी और आने वाले 5 सालों में ये संख्या बढ़ने वाली है, उन्होंने चेतावनी दी थी। इससे आप डिनाई नहीं करेंगे,
सच्ची घटना है, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका कहना है कि सच्ची स्टोरी है, इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है और ऐसा केरल में हो रहा है। जो लड़कियां हैं हिंदू, उनका सिर्फ हिंदू ही नहीं, ईसाई लड़कियां भी हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, सच्चे प्यार के चक्कर में पड़ती हैं, उसके बाद इस्लाम के रास्ते उन्हें लाया जाता है और उन्हें आईएस जैसे बड़े कुएं में धकेलने का काम किया जाता है। प्रीति जी देखिए, आप बिल्कुल जो कह रही हैं, मैं उस पर अपने रखना चाहूंगा कि उस समय के तत्कालीन जो है मुख्यमंत्री ओमान चांडी जी ने क्या कहा था उन्होंने, और ये इंडिया टुडे में ये पब्लिश भी हुआ था, उन्होंने कहा था कि 2006 से लेकर 2012 तक की 2667 जो लोग हैं वो जो है इस्लामिक धर्म अपनाए हैं। उन्होंने कभी नहीं ये कहा था कि 2800 प्रतिवर्ष, 3000 प्रतिवर्ष। तो इसमें कहीं ना कहीं जो 32000 टीजर में दिखाया गया, एक जो है प्रोपेगेंडा के तहत दिखाया गया, कहीं इसमें कोई तथ्य नहीं है और कहीं से कोई सच्चाई इसमें नहीं दिखाई गई है। दूसरी चीज, उसमें प्रोपेगेंडा और दिखाया गया है कि 5 साल की जो संख्या उस समय ओमान चांडी ने बताई थी, उन्हें उस संख्या को हमने मल्टीपल किया, मल्टीप्लाई किया आज के परिप्रेक्ष्य में, तो जोड़कर बिल्कुल झूठ है ये बात। इंडिया टुडे ने पब्लिश किया था, ओमान चांडी ने कोर्ट में एक बयान भी दिया था और कोर्ट में उन्होंने कहा था कि 2667 महिलाएं जो है वो उसने इस्लामिक धर्म अपनाया। मैं कह रही हूं करवट अगर लड़कियां की जा रही है तो क्या सही है? आप इतना पक्ष ले रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सही है कन्वर्ट की जा रही है अगर लड़कियां वहां हिंदू लड़कियां, उनको ब्रेन वॉश करके अगर ISI बनाया जा रहा है तो आप समर्थन में, और आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। देखिए प्रोपेगेंडा इस तरह से फैलाया जा रहा है प्रीति जी कि उस फिल्म में यह भी कहा गया है कि 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। अगर इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए, उसमें यह भी दिखाया गया कि केरला पुलिस जो है बिल्कुल नाकाम है, उसमें यह भी दिखाया गया प्रवक्ता कि उसमें यह भी दिखाया गया बीजेपी के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आतंकी घटना इस तरह के जो साजिश होती है वो धीमे धीमे रची जाती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आतंकी जो इस तरह की घटना होती है वो बड़ा खामोश तरीके से बड़े ही सालों तक रची जाती है ये साजिश, और उसके बाद एक बड़ा इस तरह का, जैसे कि केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि एक बहुत बड़े तरीके में इसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तब्दील किया जाता है। प्रीति जी देखिए, ये फिल्म नहीं, इस कालखंड की सच्चाई है, भले इसे केरल की हथेली पर चित्रित किया गया है, समाज को अंदर से कह रहे हैं कि समाज को अंदर से खोखला करने की रणनीति है ये जो लेकिन है। ये पूरे भारत के हर बस्ती की सच्चाई है जिसका फलक अंतरराष्ट्रीय है। लव इनके लिए रूह का एहसास नहीं बल्कि रूह को चोट देने के सुनियोजित षड्यंत्र का नाम है लव जिहाद। यह इस्लामिक धर्मांतरण का भयावह अंतरराष्ट्रीय ताना बाना है। केरल एसटीएफ ने 5000 बोला क्या बीच में, क्या बदतमीजी है भाई? ठीक है पहले सुन लीजिए, आपके टाइम पे नहीं बोला उन्होंने, बोले दीजिए। ये बदतमीजी वाले लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, बोला है अपनी बात रखे, अपनी बात नहीं, सच सुनना नहीं चाहते। अच्छा बोलने दीजिए ना उन्हें, आपके टाइम पे नहीं बोला उन्होंने, बोलिए। केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को 5000 केसेस की केस स्टडी सौंपी है, जिसमें केरल हाई कोर्ट में केरल एसटीएफ ने पहली बार क्लब जिहाद शब्द को उठाया कि ये नॉर्मल केसेस नहीं है, इसमें सीमी के लोगों के इन्वॉल्व है और ये लव जिहाद का मामला दिखता है। उसके बाद से सीएम बीएस अच्युतानंद ने भी इसको कहा कि ये लव जिहाद के मामले हैं, और बीएस अच्युतानंद का ट्वीट है, उन्होंने खुद किया हुआ है कि ये एक कोशिश की जा रही है कि 20 साल में इसको इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। यही नहीं, केरल में बिशप ने भी कहा है कि कई ईसाई क्रिश्चियन लड़कियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और उनका भी धर्मांतरण लव जिहाद के नाम पर किया जा रहा है। 10 दिसंबर 2009 को दो लोगों का बेल पेटिशन रिजेक्ट करते हुए केरल हाई कोर्ट के जस्टिस केटी शंकरन ने लव जिहाद का मामला उठाया और कहा कि इसके अगेंस्ट में कानून बनाने की जरूरत है। 8 राज्यों में यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, 8 राज्यों में लव जिहाद। मानविता ने जो हमारे साथ एक्ट्रेस है, इस फिल्म को लेकर के, इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है आदा शर्मा का है, उनको भी लेकर के काफी जो इस फिल्म के विपक्ष में है उनको ट्रोल किया गया, कहा जा रहा है कि बहुत कम फिल्में इन्होंने की हैं और सारी पिट गई हैं, और जब करियर नहीं चला तो इस तरह की प्रोपेगेंडा बेस्ड
पिक्चर में इन्होंने अदाकारा मतलब एक्ट्रेस का रोल किया है, ऐसे किसी एक्टर के बारे में ऐसे बोलना कहां तक जायज है? और साथ में आप फिल्म के बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, जब आपको आपके पास काम नहीं होता तो मैं समझ सकती हूँ उनका दर्द, उनकी मजबूरी। जब काम नहीं है तो कुछ भी काम उस वक्त अवेलेबल हुआ, कुछ भी आपके पास काम आ गया तो आप कई बार उसको साइन कर देते हैं बिना सोचे समझे कि किस प्रोपेगेंडा का हिस्सा वो बन रही हैं। अब पिक्चर के बारे में बोलना चाहती हूँ कि पिक्चर आज उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो था और जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में उसकी 99% ऑक्यूपेंसी थी। और अगर आप पूरे दिन का आप आंकड़ा देखें कि पूरे दिन में कितनी टिकटें बुक हुई है तो 95% तक ऑक्यूपेंसी है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कहीं ना कहीं हिंदू जागरूक हो गया, उनको पता है कि प्रोपेगेंडा के तहत ये पिक्चर है और उसको देखने नहीं जाने चाहिए। अब अगर पिक्चर को देखें कि पिक्चर कैसी है तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कश्मीर फाइल्स का ये सबसे सस्ता और घटिया एडिशन है ये। अच्छा। अगर हिटलर जी जिंदा होते तो वो अपना सर इस वक्त दीवार पे मार मार करके फोड़ देते कि जो प्रोपेगेंडा उन्होंने सेट किया था उस वक्त, हाँ। उस प्रोपेगेंडा को कहीं ये आगे नहीं ले जा पाए, इन्होंने अच्छा। फेल कर दिया। अच्छा। अब आपने दिल्ली में सब रहते हैं, आप भी दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में कूड़े के पहाड़ देखे होंगे बड़े बड़े। अब कूड़े के पहाड़ को आप माउंट एवरेस्ट बोल दे तो ये कहां से जायज है? पिक्चर में जो फैक्ट्स दिखाए वो है ही नहीं। पिक्चर फैक्ट्स थी, केरला फाइल्स पूरे ही परे है, मानवी तनीजा फैक्ट से पूरे परे है। केरला फाइल्स दिखाने की कोशिश करिए। आपने देखी है फिल्म? ये पिक्चर मैं देख के आई हूँ। हाँ जी, पिक्चर देखनी जरूरी थी क्योंकि अगर आपको पिक्चर के बारे में कुछ भी बोलना है तो उसके लिए आपको पिक्चर देखनी जरूरी है। पिक्चर में आपको दो पॉइंट, पांच सेकंड, लड़कियों को किसी ने भी फोर्स नहीं किया धर्म परिवर्तन के लिए, लड़कियों ने खुद हिजाब पहना अपनी मर्जी से, लड़कियों ने खुद धर्म परिवर्तन किया, लड़कियों ने खुद मुसलमानों से प्यार किया। तो आप ब्रेनवॉश की बात है, एजेंडा चलाते हैं चैनल पे तो चलाना बंद कर दीजिए। फोर्स नहीं किया, लड़कियों की अपनी मर्जी थी। ठीक है, पूरे फिल्म में ब्रेन वॉश की बात है, फोर्सफुली करना और ब्रेन वॉश करना दोनों में अंतर होता है। अगर ब्रेन वॉश करके धीरे धीरे देश को खोखला करने की कोशिश की जा रही है तो ये फिल्म से आप मैं कह रही हूँ अगर देश में अच्छा ठीक है आप अपनी बात कह रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर एक भी लड़की का हमारे देश में ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन किया जाता है तो क्या गलत है या सही है, बताइए मानवी तनेजा। देखिए, ब्रेन वॉश करके करा जाता है ना, लेकिन ब्रेन वॉश गलत है या नहीं? ब्रेन वॉश गलत है, आप समर्थन इसका मतलब समर्थन कर रही हैं? संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, नहीं नहीं समर्थन कर रही है, मैंने आपसे सीधा सीधा हाँ या ना पूछा। संजय राणा क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? देखिए, फिल्म है एक जीती जागती एक विवरण है, एक चीज समाज के बारे में जताया जाता है, समाज के बारे में दिखाया जाता है। बड़ा दुख होता है जब एक कोई अभिनेत्री आकर के दूसरी अभिनेत्री के बारे में ऐसा ओछा आरोप लगाती है तो बड़ा दुख होता है। देखिए, वो तो कम से कम उनको कोई काम नहीं मिल रहा, चलो एक काम मिल गया, आपने आज तक कितना काम किया उस पर जरा ध्यान दे दीजिएगा, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरवान में झांक के देखना चाहिए। जब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, देखिए कन्वर्जन की जब बात होती है तो मैं आंकड़े देता हूँ। बिल्कुल, हमारे मित्र जो सितंबर ये क्या नाम है संजय जी, जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं रत्नाकर जी, बड़े तेजी से उत्तेजित होके बोले तो 2600। मैं दूसरा आंकड़ा देता हूँ, जाके पढ़ लीजिएगा सर, 16 जुलाई 2016 का आंकड़ा है, जाके पढ़ लीजिएगा, जो इंटेलिजेंस ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, इंटेलिजेंस ने सबमिट किए 5719, जिसमें 4728 लड़के हिंदू थे, बाकी क्रिश्चियन थे। तो ये कन्वर्जन हुआ है, ये आंकड़े हैं, इंटेलिजेंस को दिया गया है। और लव जिहाद वहां के हाई कोर्ट, अरे सर सुन लीजिए, अगर आप लोग बीच में जंप करेंगे ना, हमें मालूम आपसे मुस्लिमों से बहुत प्यार है, जब से देश बना है तो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आगे आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, पहले वक्फ बोर्ड बना दिया, उसके बाद वर्शिप एक्ट बना दिया, उसके बाद वायलेंस एक्ट बनाने वाले थे, आप राम को नहीं मानते, अब राम संत को गांधी वादी विचारधारा के लोग हमारे लिए बस्ती का गाना बंद करा दिया, यूपीए काम धर्म के नाम पर भजन जाति की लड़ाने का काम अगर कोई करता करके ना अपना ज्ञान अपने पास रखिए, आप लोग के अरे भाई आंकड़े के साथ आंकड़ा दे रहा हूँ, उनकी मानसिकता, अरे भाई साहब मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, आंकड़ा ले लो, उसके बाद केरला में राजनीति नहीं चला पाया। देखिए ऐसा है, ऐसे लोगों के साथ लोगों ने बोला है, अपने अपने समय में आप लोगों ने बोला, एक बार अपने अपने समय में आप बता दीजिए, अपने अपने समय में आप लोगों ने बोला है, एक बार बात रख लेने दीजिए, वरना किसी से नहीं है, हमें सबसे कोई बोल नहीं पाएगा। डिबेट ठीक है, डिबेट के कॉलम को आप लोग अपने अपने एजेंडे पर बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबको बोलने दीजिए, अगर हर कोई अपने एजेंडे पर बात कर रहा है तो सबको बोलने दीजिए, उसके बाद आप लोग डिबेट में आइएगा।
अभी शुरुआत है डिबेट का, पहले बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं काउंटर करने का पूरा मौका दूंगी आपको, जैसे बन चाहे आप वैसे काउंटर आधा सच क्यों बता दे, बोलने दीजिए आधा सच ही बताओ, आंकड़े के साथ, नंबर के साथ, टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंटेलिजेंस का डेट के साथ दे रहा हूँ, उसमें आज झूठा आंकड़ा हो गया है? तत्कालीन मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनकी बातें जब झूठी है सब, रत्नाकर जी वही सही, अच्छा थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत उतावले हो जा रहे हैं, और भी लोग हैं, क्यों आप उसने कोर्ट के बगैर जी नहीं सकते हो, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है, करना चाहते हो इस्लामी इतना बुरा क्यों लग रहा है, बिलाल खान कांग्रेस पार्टी की बिलाल खान मैं ये कह रही हूँ कि जब भी कोई फिल्म आती है, नहीं नहीं अब मैं संजय राणा को मौका दूंगी, सर देखिए बीच में अगर नहीं बोलेंगे तो आपके ही सहयोगी हैं उनको भी बोलने का मौका मिलेगा, उनका निजी नजरिया है, वो टेलीविजन पर कुछ भी बोले उनका निजी नजरिया है, इससे हमारे चैनल का कोई लेना देना देन नहीं, लेकिन आप सुन तो लीजिए, थोड़ा पेशेंस तो रखिए, आप तो आग बबूला हो रहे हैं, उनको बोलने भी नहीं दे रहे, बिल्कुल मैं अगर मैं फैक्ट बोल रहा हूँ प्रीति, मुस्लिमीकरण नहीं कर रहे हैं, जब से देश हुआ तब से इस्लामीकरण कर रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दूंगा, किसी को बोलने नहीं दूंगा, ये बताइए वो बोर्ड का किसने गठन किया था, मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा, मुझे मजबूर मत कीजिए, एक सेकंड, ऐसे मत कीजिए सर, डिबेट में जो बातें हैं वो जाने दीजिए, रत्नाकर जी को म्यूट कर दीजिए, बिलाल खान जब भी ऐसी फिल्में आती हैं तब तक एक सेकंड सवाल तो पूछने दीजिए, जब जब ऐसी फिल्में आती हैं तब तक एक समुदाय के लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ फिल्म है, मुसलमानों के खिलाफ फिल्म है, फिल्म देखिए उसके बाद कि ये मुसलमानों के खिलाफ है या नहीं, ट्रेलर देखकर भी अगर आप ये कह रहे हैं तो भी ये गलत है, पहले देखिए तो सही, जिन सीन में आपत्तियां थी उन 10 सीनों को काट के हटाया गया, बदला गया है, ये डायरेक्टर्स ने खुद किया है, लेकिन अगर सच्चाई है, 3 लड़कियां अभी भी अफगानिस्तान के जेल में बंद है, वो हमारे सरकार गृहमंत्री ने खुद कहा है कि हम इन लड़कियों को वापस देश में नहीं लेंगे, जिनका धर्मांतरण किया गया है वहां जेल में है बंद, बिलाल खान एक फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, एक कश्मीरी फाइल मूवी आई थी उसी के बिल्कुल सेम टू सेम यही केरला को लेकर बदनाम करने के लिए एक स्टेट को, और लगातार ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इन मूवियों को नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग, बेटियों का धर्मांतरण मुद्दा नहीं है, बेटियों का धर्मांतरण मुद्दा नहीं है, फाइल में क्या बिलाल खान एक टीचर के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, ये बता दो नहीं हुआ था, उसको आरी से नहीं काटा गया था, मस्जिदों से नहीं बोला गया था कि बेटियों को छोड़ दो और आदमी यहाँ से चले जाओ, नहीं बोला गया था, कौन सा प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हो, क्योंकि नैरेटिव आपको बिलाल की आवाज नहीं आ रही है, ऐसे डिबेटियों को बिलाल को बोल लेने दीजिए, बहुत देर से वो कोशिश कर रहे हैं, बोलने दीजिए एक बार, दो शब्द अब बिलाल नहीं बोल रहे थे, दो शब्द प्लीज बिलाल बोलिए, अपनी बात रखिए, आप बिलाल खान बोलिए अपनी बात रखिए, हाँ बिलाल खान अपनी बात रखिए, देखिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए संजय जी मेरे मित्र हैं, कभी कभी इनको गुस्सा आ जाता है, मैं मानता हूँ, अपनी बात रखिए, समय कम है, बाद में फोन कर लीजिएगा, बिल्कुल देखिए मैंने कहीं नहीं देखा कोई हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर मूवीज को लेकर आ रहा है, ये शर्म की बात है कि उनको एक एक छोटी मूवी का सहारा लेना पड़ा है राजनीति के लिए, कर्नाटक के अंदर कश्मीर फाइल को प्रमोट करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने करा, केरला के ऊपर जो है उसको प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं, तो ये देश को शर्म से डूबने की मरने की बात है, देश के प्रधानमंत्री रहना पड़ेगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में, फौरन वापस चलेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, वापस चलते हैं
हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी भी हैं। धनंजय जी, ये बार बार आरोप लगता है कि आप लोग इस तरह की फिल्में बनवाते हैं और प्रमोट करते हैं, जैसा कि विपक्ष और साथी भी रत्नाकर जी भी बैठे हुए थे, कांग्रेस यही कह रही है बनवाते हो आप लोग, उसके बाद आप लोग प्रमोट करते हैं और आप लोग जानबूझकर जब भी चुनाव दक्षिण भारत में है इसीलिए आपने इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करने का काम किया, और साथ ही बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ने भी इस फिल्म को लेकर कहा है, तो डेफिनेटली बनवा करके प्रमोट किया, बताइए। प्रीति जी देखिए, कांग्रेस जितना चिल्लाएगी उतनी अनावृत होती जाएगी। कांग्रेस पहले से भी अनावृत है इसमें, उस एक पर्टिकुलर समुदाय को तुष्टिकरण के लिए जो उसके अपने एजेंडा में भी आया है, भगवान राम के खिलाफ हो चाहे हनुमान के खिलाफ हो चाहे राम सेतु के खिलाफ हो चाहे गौ भक्तों पर गोली चलाने की बात हो चाहे इनके 37,000 की होली ने कहा कि हिंदू होना ही गलत बात है, गंदा शब्द है, या फादर पुनिया के जॉर्ज पुनिया जिसने भारत माता को डायन कहा था उनके घर जाने के राहुल गांधी की बात है, इन सब तमाम चीजों को छोड़िए, लेकिन ये कांग्रेस की जितनी काव काव करेगी उतनी देश की जनता उसकी सत्य को जानती जाएगी। और सच क्या है, भारत की संस्कृति में शादी विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसको तोड़ने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, ना संस्कृत में, ना हिंदी में, ना भारत की किसी भी भाषा में नहीं है। आपको देख, ये डाइवोर्स जो है ये अंग्रेजी का शब्द है और तलाक उर्दू का शब्द है, भारत में विवाह जो है वो 7 जन्मों का हमारे यहाँ बंधन है। तो यहाँ जो लड़कियां हैं, मानवी तनेजा खुद एक महिला है, आपने अभी सुना होगा उनको, मानवी तनेजा खुद एक महिला है, एक्ट्रेस है, वो कह रही है कि मैं मूवी देखकर आई हूँ, कोई ब्रेन वॉश का मतलब नहीं है, ब्रेन वॉश की बात इसमें है नहीं, वो कह रही है कि लड़कियां अपने मर्जी से गई और लड़कियों ने अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया, ये मानवी तनेजा ने कहा है, आपने सुना है, बोलिए आप। आह कांधा नाम नैन सुख, हम किसी का मानव नाम रखे तो मानव हो जाए जरूरी नहीं, जवाब जवाब नहीं, किसी का मानव नाम रखे तो जरूरी नहीं, इस देश में कई लोग तरह तरह के नेता पे काम करते हैं, कई तरह तरह के लोग कई तरह के नेता पे काम करते हैं, और कौन किसके लिए काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्शन से पहले कि वो लट्टू को घुमा दो और इसी तरीके से वोट बैंक की राजनीति कर दो, लेकिन इधर ये लट्टू की महिलाओं पर भी आपका आरोप लगा है, जो धागा है वो टूट गया क्योंकि पहले काम नहीं मिला, पता नहीं इन्होंने कहां काम किया, पहली बार उनको देख रहा हूं मैं, वो दिखाया बीजेपी के प्रवक्ता पहले बोल लेने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा मानवी जी, पहले बोलने दीजिए उनको, बोलिए धनंजय जी। प्रीति जी, जिन लड़कियों के साथ ये घटना घटी है और जिनका उसमें कैरेक्टर लिया गया है उनके गार्जियन से इंटरव्यू हुआ है, विभिन्न चैनलों पे हुआ है, कितने गार्जियन से इंटरव्यू हुआ, 32,000 आंकड़े हैं, आप बताइए, अरे एक से भी हुआ तो हुआ ना भाई, 32,000 लोग परिवार वाले होंगे ना, 32,000 लड़कियां हैं तो परिवार वाले होंगे, मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ, ये देखिए ये इतना काम काम करते हैं, ये भैया बताइए कहाँ काम, ये है मेरी एक बिल्ली, ठीक है, इसका नाम है स्नो बेल, बताइए कांग्रेस के पक्ष में कभी भारतीय जनता पक्ष में बोलने के लिए खड़ी है, मैं जनता बोलती हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, तो आप भारतीय जनता पार्टी का चश्मा उतार दीजिए, आपको अगर इतनी बहनों की सवाल 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 पूछ लूं मैं, सवाल प्लीज, बिना सवाल के आप लोग अपने आप लड़े जा रहे हैं, सवाल एक सेकंड मुझे पूछना दिखा रही है, पूछना है, चल मैं पूछ लेती हूँ, गीदड़ है सवाल, गीदड़ है आप, है कौन पहले ये बताइए, कहाँ की एक्ट्रेस है, कहाँ की एक्ट्रेस है बताइए, हमने कहाँ काम किया है, 32,000 का आंकड़ा है, झूठ मुद्दा बना रही है, होना चाहिए क्योंकि कहाँ से 32,000 आंकड़े से सीधा टीम में ले आए, वो अभिनेत्री जो सिर्फ टीवी में आती हो, वो अभिनेत्री न्यूज चैनल के लिए बस, ये अभिनेत्रियाँ अच्छा तो चाचा चौधरी की कहानियाँ पढ़ लो, मानवी तनेजा एक सेकंड, कुछ देखने को मिलेगा, कुछ मनोरंजन हो जाएगा, अगर आज मैं शादी कर लूँ तो आप
धर्मांतरण पर लेकर कोई बोलता क्यों नहीं, इतनी चुप्पी क्यों है? धर्मांतरण को लेकर इतनी चुप्पी क्यों है? बोलने तो दीजिए, ठीक है मानवी जी, मैं कह रही हूँ धर्मांतरण को लेकर इतनी चुप्पी क्यों है? धर्मांतरण है तो है। देखिए मैं कहती हूँ अगर आपको आपको इंटर रिलीजन शादी करनी है आप कर सकते हैं। धर्मांतरण शादी नहीं है, धर्म कह रही हूँ, ब्रेन वॉश हो रहा है। मानसिक मानसिक विकास, देखो मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है। अब इनको यही नहीं मालूम है कि कन्वर्जन मतलब क्या होता है और मैरिज मतलब क्या होता है। अरे मैडम पढ़ लिया करो थोड़ा सा, मालूम है आप अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो, लेकिन कम से कम अच्छी ज्ञाता तो बन सकती है। जरूरी नहीं है कि मैरिज और कन्वर्जन नहीं पता, टीवी में बैठ नहीं आकर परिवर्तन ही करना है। रत्नाकर सिंह, रत्नाकर सिंह, रत्नाकर सिंह, गौरी का नाम नहीं बदला गया, स्वरा का नाम नहीं बदला गया, ऐसे में कितनी रत्नाकर सिंह के पास जाइए, रत्नाकर सिंह जी के पास जाइए, ठीक है ठीक है। रत्नाकर सिंह जी धर्मांतरण को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के चुप्पी क्यों है? धर्मांतरण को लेकर के धर्मांतरण को लेकर के क्यों है? एक साथ आप लोग अगर सब बोलेंगे तो इस शो में किसी की बात ना मानवी तनेजा की बात देश सुन पाएगा, ना संजय राणा की बात कोई सुन पाएगा। आप सब एक दूसरे को बोलते रह जाएंगे क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन पूछा कन्वर्जन बता रही है मैरिज, इनको तो प्रश्न ही नहीं समझ में आया। रत्नाकर जी क्या देंगे, मर्जी से करना चाहे तो कर लेंगी ना। अरे देखो यही बोले बोले दीजिए, होना बहुत जरूरी है। संजय राणा प्लीज, आदमी की उम्र बढ़ने से एक नहीं बढ़ता। बस मुझे सवाल पूछने दीजिए, एक सेकंड। रत्नाकर जी मैं कह रही हूँ धर्मांतरण को लेकर के इतनी चुप्पी क्यों है? इतनी चुप्पी क्यों है रत्नाकर जी? मैं कह रही हूँ अगर हमारे देश में, आप तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है ना सर, मानवी जी चलिए अपने भावनाओं के साथ अपनी बातों को रख रही है, मैं समझती हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ है ना सर। मैं कह रही हूँ हमारे देश की अगर एक भी बच्ची का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण होता है तो गलत है, आपको स्टैंड लेना चाहिए। देखिए प्रीति जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान में अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है उसकी अनुमति है, लेकिन अगर धर्मांतरण को ब्रेन वॉश करके अगर किसी को जोर जबरदस्ती के साथ धर्मांतरण किया जा रहा है तो वो गलत है। और अगर इस तरह का धर्मांतरण किया जा रहा है तो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी नीति लेकर आएगी जिसमें अगर कहीं से कोई शिकायत अगर इस तरह की हो तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये क्या सपोर्ट करते हैं इसका? मैं पूछना चाहूंगा, आप क्या है? अरे भाई साहब, आप कितने बड़े हिंदू हितैषी है? कश्मीर कश्मीर फाइल्स मूवी बनवाते हैं और कश्मीर पंडितों गोली चलती है, वो गोलियां आपने सिंपैथी दिखाई कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी पंडितों के टारगेट किलिंग किया जा रहा है। आपने बोला, आपने कुछ बोला, कश्मीरी पंडित हिंदू है ना, हिंदू है ना, कश्मीरी पंडित हिंदू है, पंडित है, आप उनके ऊपर टारगेट के लिए हो रहा है कश्मीर फाइल्स के बाद, आप उस पर तो कुछ बोले नहीं। आप एक महिला के इंटरव्यू पे आप 32,000 महिलाओं का व्यू दे देंगे, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? कोई तार्किक बात करिए, लॉजिकल बात करिए, तार्किक धनंजय जी देखिए अत्याचार करने का, झूठ बोलने का, झूठे पंडितों के साथ अत्याचार करने का, दावत के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर उस पर कोई बात नहीं करते हैं, जंतर मंतर पे हमारी बेटियां बैठी हुई है उस पर कोई बात नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रोपेगेंडा मूवी पे जरूर बात करेंगे। कारण उसका ये है कि आप मुझे समय दीजिए, आप लोग बन गए हैं, मुझे बोलने दीजिए, और भी लोग बताइए, बिलाल खान भी बैठे उनको भी बोलने नहीं दे रहे, उनको भी नहीं बोलने दे रहे हैं आप लोग। रत्नाकर जी, कांग्रेस तुष्टिकरण करती है कि नहीं करती है, भले एक बात बताइए। आप लोग हमेशा कहते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती नहीं है, इस मुद्दे पर भी आप लोगों को संवेदन, आप लोगों के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि ये प्रोपोगेंडा है। मैं कह रही हूँ 1% एक लड़की के साथ भी होता है तो भी आपकी सहानुभूति जानी चाहिए सर। प्रीति जी, तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है? अभी कर्नाटक चुनाव में इन्हीं के नेता जो है कहते हैं के एस ईश्वरप्पा की हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए,
और कल को ये खुदा न खास्ते अगर वहां पे जीत के आते हैं तो जिसका जिसके वोट नहीं लेने की लोकतंत्र में बात करते हैं उनके कितने हितैषी रहेंगे, कितना कल्याणकारी काम करेंगे ये बता दे तो मुझे। यही प्रधानमंत्री, यही सुनिए सुनिए सुनिए, अमित शाह कहते हैं कि हिंसा होगी कर्नाटक में अगर करना चाहिए। पर्सनल एजेंडा है आपका, भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, भाषण की जरूरत नहीं है, पर्सनल एजेंडा मत करिए सर, पर्सनल एजेंडा मत करिए सर, भाषण मत दीजिए सर। बिलाल खान, बिलाल खान, बिलाल खान, दोनों की आवाज को दबाइए, आपस में बोलते रहेंगे। आवाम की आवाज आप ही दबा सकते हैं सर, आवाम की आवाज आप ही दबा सकते हैं बिलाल खान, अब यहाँ पर तो आप ही दबा पाइएगा सर की आवाज, आवाम की आवाज आप ही दबाइए, बोलिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए, मैं कह रही हूँ आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, बोलिए। मैं अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूँ और हमेशा बुलंद करता रहूंगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का, यहाँ पर सच्ची आवाज दबाइए। ठीक है सर, आगे आगे आगे, अगर हम आपकी सुन रहे हैं तो आप हमारी भी सुनिए मैडम। ठीक है, सुनिए एक मिनट, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, मंदिर मस्जिद में बांट दिया, आज मूवियों पे बांट दिया, रंगों पे बांट दिया कि कौन सी मूवी हमको चलानी है। इनको इतना मतलब होगा, कोई मुद्दों की राजनीति नहीं करनी, इनको कश्मीरी फाइल्स को अब फायदा पहुंचाना, तो पर्सनल प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद इस मूवी पर केरला स्टोरी को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कहें कि राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अरे मत बांटिए, अगर मूवी होगी पठान की मूवी होगी तो उसका बायकॉट करने के लिए यही लोग बैठेंगे, अगर कोई दूसरी मूवी होगी तो कश्मीरी फाइल उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर लग जाते हैं कि उसको कैसे हिट कराया जाए, और केरला स्टोरी को लेकर भी हिट कराने का प्रोग्राम ये लोग चला रहे हैं। इस खबर पर हमारे इस फिल्म को बना रहे डायरेक्टर फोन पर जुड़ गए, फोन पर हमारे साथ सुदीप सेन डायरेक्टर, सीधी बात करते रहते हैं हमारे साथ सुदीप सेन डायरेक्टर इस फिल्म के फोनों पर, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपकी मशरूफियत पता है हमें, इस वक्त आपका फिल्म रिलीज हुई है, आपको जगह जगह जाना पड़ रहा होगा। सुदीप जी बहुत बहुत स्वागत पहले आपका, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए जल्दी संपर्क करने की कोशिश करेंगे सुदीप जी हमारे साथ लाइन पर होंगे। बिलाल खान जल्दी से, बिलाल खान अपनी आवाज, बिलाल खान अपनी बात, कहाँ बिजी है बिलाल, अभी तो कह रहे थे आवाम आपकी बात नहीं सुन रहा। देखिए मैं आपकी बातों में बिजी हूँ, लेकिन आपकी आवाज आ रही है मेरी, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। डायरेक्टर साहब का क्या हुआ, जुड़े नहीं जुड़े, हमें तो आपने रोका। सुदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, लेकिन मैं आपके साथ ये डिबेट में मैं नहीं रहूंगा। ठीक है ठीक है, आप डिबेट डिबेट ठीक है, एक सेकंड बिलाल, एक सेकंड। सुदीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया 24/7 पर, और साथ ही सुदीप जी फिल्म आज रिलीज हो गई है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन फिल्म को लेकर, इस फिल्म को लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत है। आपने खुद प्रधानमंत्री को भी सुना, उन्होंने फिल्म को लेकर के अपनी बातें कही हैं, लेकिन ऐसे में क्योंकि केरल के ऊपर, केरल की बेटियां हैं उसके ऊपर ये फिल्म बनी है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, केरल सरकार ने खुद कहा है कि ये राज्य की छवि को खराब करने वाली एक प्रोपोगेंडा है जिसको डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, बनाया है। क्या कहेंगे आप सुदीप्त सेन? नंबर वन, इस फिल्म के साथ राज्य एक कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस इसलिए है कि जहां पे ये टेरर की फैक्ट्री चलता है वो टेरर फैक्ट्री केरल राज्य में आता है। सो इसमें छवि खराब करने वाली कोई बात नहीं है, और केरल मेरा भी इक्वल, मेरे दिल की बहुत करीब है। मैंने मलयाली लैंग्वेज पे फिल्म भी बनाए, केरल मेरी जैसे कि सब जानते हैं इट्स अ गॉड जोन कंट्री, टू मी ऑल्सो इट इज अ गॉड जोन कंट्री। सो किसी की कहने पे या किसी की गलत फहमी में मेरी ऑब्जेक्टिविटी खत्म नहीं हो जाएगा। ए बी, ये जो फिल्म है ये मैं पिछले 7 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और इसके ऊपर 2018 में मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊ, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला है। और ये जो इशू है टेरर नेटवर्क वाली, जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो ये है कि ये आईसीस और बोको हराम जैसे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट ये सिर्फ इंडिया से नहीं हो रहा है, ये यूरोप की कंट्रीज में हो रहा है, ये अमेरिका से हो रहा है, यूके से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, न्यूजीलैंड से हो रहा है। मतलब अभी तो थोड़ा कम है, जब आईसीस का सिचुएशन बेटर था तब वहां पे होते रहते थे। ये कोई भारत सेंट्रिक इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब केरल में पहुंचे, केरल में प्रॉब्लम क्या हो गया, केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने लगा।
क्योंकि यहाँ पे 30-32% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 17% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, रेस्ट हिंदू पॉपुलेशन है। अब सिचुएशन ऐसे हुआ कि यहाँ पे दो पार्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है जो एसेंशियली पावर में रहते हैं उनको मुस्लिम वोटों की जरूरत है। जो मुस्लिम वोट जिनकी तरफ ज्यादा जाएगा वो पावर में आएंगे। ठीक है कभी कांग्रेस की पावर में आते हैं। जो नंबर्स आपने बताए इस फिल्म में, जो नंबर्स आपने बताए हैं, आपने एक ह्यूज नंबर बताया। मैडम सुनिए, मैं वो नंबर लेके कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुका है। ये आप लोगों की जो एक आदत है ना सेंसेशन क्रिएट करना, मैं उनमें आप लोगों को मदद नहीं कर पाऊंगा। फिल्म देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप मदद मत कीजिए, जवाब भी मत दीजिए, लेकिन आपने जब ये फिल्म बनाई होगी तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा या आपने क्या सोच कर इस फिल्म को बनाया? मेरी दिमाग में जो था वो हमारी हैशटैग है सेव आवर डॉटर्स। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि किसी प्रोपेगेंडा के तहत नहीं बल्कि ये सच्चाई है, इसीलिए सच पर आपने फिल्म बनाई। बात क्या है, प्रोपेगेंडा करना पॉलिटिशियंस का काम है, मेरा नहीं है। जो लोग बिना फिल्म देखे फिल्म के ऊपर कॉमेंट करना चाहते हैं मुझे उनके लिए कुछ नहीं कहना है। फिल्म देखिए, बात करिए ना। ठीक है, सच्चाई सच्चाई आप कह रहे हैं कि ट्रुथ के ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बनी है। आपने कई ऑर्गेनाइजेशन के नाम जैसे भारत की, जैसे सेंसर बोर्ड ने, आज केरल गवर्नमेंट, केरल हाईकोर्ट ने एक शानदार हमारी फेवर में एक वर्डिक्ट दिए है कि ये फिल्म कोई धर्म के खिलाफ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कल हमारी फेवर में राय दिए थे, चेन्नई हाईकोर्ट ने हमारी फेवर में राय दिए थे, और हमने डे वन से बोलते आए हुए हैं कि इसमें ये सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ है। जो बाकी लोग जो क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं बहुत ही कम इंटरेस्टेड हूँ। आज फिल्म रिलीज हुई है, अभी तक 50,000 लोग फिल्म देख चुके हैं, सबको फिल्म बेहतरीन लगा है। हम लोग वी आर सो हैप्पी, सो प्राउड दैट पीपल आर लाइकिंग इट। सो मुझे ये जो लोग फिल्म ना देख के अपना एजेंडा लेके काम कर रहे हैं उनके साथ मेरी कोई तर्क नहीं है। दिया वो लोग होंगे अपने अपने फील्ड में बड़े महान लोग होंगे। हम फिल्म बनाना हमारा काम है, हमने फिल्म बनाया। ठीक है, आपका फिल्म बनाना काम है, आपने फिल्म बनाया या आप कह रहे हैं, तो आप संतुष्ट है फिल्म बनाने के बाद? आपको लग रहा है कि आपने हमने जो फिल्म बनाई है सबको पसंद आ रहा है, और इसके तहत जो सच्चाई जो होता है ना प्रीति जी, सच्चाई का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सच्चाई के लिए आपको लड़ना नहीं पड़ता है, सच्चाई अपने आप एस्टेब्लिश हो जाता है। हमारे पास तो सिर्फ पैसे भी नहीं थे, हम लोग ये काम करने आए थे 7 साल पहले, खुद की पैसे लेके काम करने आए थे। आज केरल हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु हाईकोर्ट, सेंसर बोर्ड, इतने लोगों ने हमें हरी झंडी दिखा दी। उसके बाद मैं क्यों, कौन सी पॉलिटिकल लीडर की बातों को जवाब दूं? क्यों दूं? हमारी फिल्म जवाब दे देगा। ठीक है, आपकी फिल्म जवाब देगी या आप कह रहे हैं? ठीक है सुदीप्ता जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही आपने कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको फिल्म के लिए, फिल्म को लेकर वापस चलेंगे। और रत्नाकर जी हमारे साथ मौजूद, रत्नाकर जी फिल्म के डायरेक्टर थे, वो कह रहे हैं कि हमने फिल्म को बनाया और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ बनाया। कई ऐसे संगठन है जिसमें बोको हराम और अमेरिकन कई संगठन जिनका उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये संगठन इस तरह का काम करती है और ये सच्चाई पर आधारित एक फिल्म है। हाई कोर्ट में भी पिटीशन गया था लेकिन उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए फिल्म रिलीज हुई है। रत्नाकर जी आप चिल्लाइएगा। जो पिटीशन गया था ये नहीं गया था कि ये सच्चाई पर आधारित है, उसमें सामाजिक हिंसा या जो क्लेम किया जा रहा है जो उसको उसके ऊपर जो है वर्डिक्ट आया है, ऐसा कोई ये नहीं है। मैं आपकी बातों पे आना चाहूंगा प्रीति जी। देखिए अभी आपने 32,000 वाला जब आंकड़ा इनसे पूछा तो कैसे ये साफ मुकर गए। टीजर में 5 महीना पहले जो है 32,000 का आंकड़ा दिखाया जाता है, एक प्रोपेगेंडा तो खड़ा कर दिया जाता है पूरे देश में। अच्छा, अगर बोको हराम का नाम वो ले रहे हैं, अगर वो यूएन का नाम ले रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि इस तरह के संगठन जो हमारे देश में इस तरह का काम करती है, और आज जब सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपकी बात से बुरी तरह सहमत हूँ, सरकार को बिल्कुल उस पर ध्यान देना चाहिए। संजय राणा बोलिए, हमारे देश में ब्रेन वॉश करके हमारी बच्चियों को कन्वर्ट किया जाता है। सर उस समय नहीं, शांत हो जाइए सर, अभी आप बोलने लगे। उस समय जब मैंने आपसे सवाल पूछा था आप कुछ नहीं कह रहे थे, बोलिए। मुझे अनइंटरप्टेड एक मिनट, लेकिन झूठा आंकड़ा झूठे सर, अब शांत हो जाओ। मेरा नाम संजय राणा है। मूवी बनाकर और दिखाना उसमें, प्रीति जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरा कर लेता हूँ। एक चीज बताइए,
उसमें उसमें जो दिखाया गया है, उसमें जो मुसलमानों को दिखाया गया है, उसमें सारे मुसलमानों को साजिश करता दिखाया गया है भाई। हाँ। आप ये क्या दिखा रहे हैं? आप जो केरला की पुलिस है उसमें बेहद कमजोर दिखाया जा रहा है। हाँ। ये कौन सी बात हो गई कि केरला की वाकई पुलिस वहां पे कमजोर दिख रहा है? आप केरल कभी गए? आप केरल गए? अरे बिल्कुल गया हूँ मैं वहां पर। आपको पता है आंतरिक मामला क्या है केरल का? आंतरिक मामला आपको पता है? जिसको वहाँ का आंतरिक मामला है, केरल पुलिस हमेशा से वहाँ पर कमजोर रही है इन मामलों में, चाहे वो हिंदुओं हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की बात हो या फिर ईसाई लड़कियों के, ईसाई भी है, ईसाई लड़कियां भी है, उनके भी धर्मांतरण की बात भी है। संजय राणा बोलिए। रत्नाकर जी का जरा फेदर डाउन कर दीजिए, मुझे एक मिनट अच्छा बोलने दीजिए। लाने की जरूरत है कि नहीं ये बताइए आप, सब दीजिएगा। धनंजय जी कह रहे हैं सख्त कानून लाइए धर्मांतरण के खिलाफ, ठीक है? धनंजय जी कह रहे कानून लाइए, कानून लाइए धर्मांतरण के खिलाफ। काम किया जा रहा है रत्नाकर जी से, ये तो केटी शंकरन ने कहा था हाईकोर्ट के जस्टिस ने कि भाई केरल किसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। 8 राज्यों में भाजपा इस कानून लेकर के आई है, केरल एसटीएफ ने रिपोर्ट सबमिट की, 5000 केसेस की रिपोर्ट नहीं है ना? आप आज राज्य की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि क्या धर्मांतरण हुआ है? जबरदस्ती कोई धर्मांतरण करता है कानून लाया जाएगा ना, उसमें फांसी की सजा जी बोलिए आप। नहीं थोड़ा शांत हो जाइए, आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे। अरे रत्नाकर जी आप सुन ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे। कश्मीरी पंडितों पे बोल दीजिए, सुन ही नहीं रहे। रुक जाइए थोड़ा, फेदर डाउन करिए ना, ऐसा फेदर डाउन करने से क्यों डरते हैं? रुक जाइए, एक आदमी पंडित के निवास बक 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 पंडितों बिना हक का मैं, ठीक है रत्नाकर जी मेरी बात ठीक है, जनता भुगत रही है, ठीक है? मैं बोल रही हूं, मैं हूं प्रीति चौहान, मैं हूं प्रीति चौहान। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, ठीक है 2 मिनट बोल लेने दीजिए, इतना तो समझ मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मैं बकबक करने में बिलीव नहीं करता, आईना दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी बात कर रहे थे नंबर की, अभी हमारे रत्नाकर जी ने क्या बोला था कि 2006 फिर देखिए, अरे प्रीति ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा, थैंक यू वेरी मच, इनसे पूछ लीजिए 32,000 थैंक यू वेरी मच। अरे भाई देखो रत्नाकर, रत्नाकर जी भाई देखे, मैं गलतफहमी नहीं करता हूँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, एक में आंकड़ा अगर गलत निकाल दो दोबारा आपके साथ डिबेट नहीं बैठूंगा। अरे कुछ भी आप बात कर रहे हो यार, शांत होकर सुन लो ना, झूठ है कि सच है? देखिए प्रीति जी, मैं तो कहीं ना कहीं आंकड़ों पे गेम खेल गए हैं, 32,000 का आंकड़ा दिखा है पिछले साल जो हुआ उसके बाद ही ये प्रोपेगेंडा फैला और ये चर्चों में आई, इससे पहले इस पिक्चर के बारे में किसी को भनक नहीं थी, आंकड़ा बताया प्रोपेगेंडा बनी और उसके बाद छीन ले आए। लेकिन ये स्टोरी तो चल रही थी ना, ये कहानी बहुत पहले की है, ये फिल्म नहीं आई थी। लेकिन 32,000 का आंकड़ा ब्लैक एंड व्हाइट पे प्रीति जी कहीं नहीं है, इतनी सारी एजेंसी काम कर रही है इसके ऊपर, राज्य केंद्र बोले जल्दी प्रीति, अगर ये जिनको शादी और कन्वर्जन में अंतर नहीं पता है उनसे चाहते हो आप 1 मिनट देंगे तो मैं बात करूं, इनके बीजेपी के सफेद शर्ट को चुप कराइए, ये जो बीच में बोलते हैं अरे मैडम कम से कम आप कितना नकली अभिनेता नहीं है, नकली अभिनेत्री जिन्होंने कभी कहीं काम नहीं किया, उन्होंने कभी किसी पिक्चर में काम नहीं किया, किसी सीरियल में काम नहीं किया, और टीवी में फाइनल कमेंट नहीं है समय मेरे पास, फाइनल कमेंट शुरुआत संजय राणा, फाइनल कमेंट दीजिएगा आप ही बोलिए, फाइनल कमेंट दीजिए आप ही। अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो आंकड़ा दिया है क्या वो गलत है? वर्तमान मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं बात वो क्या गलत है? मैं तो यही कहूंगा कि 32,000 का आंकड़ा ये कहां से आया संजय भाई बता दे, क्योंकि इनके पास न कोई खाता है न कोई बही, संजय भाई जो कहे वही सब सही। ठीक है धनंजय गिरी जी, बना लिया आपने शो में बैठे बैठे। धनंजय गिरी जी देखिए केरल तो आपने उनको बोलने नहीं दिया, नाराज कर दिया, ऊपर से उन्हीं के ऊपर कहानी बना दिया। चलिए धनंजय गिरी जी
देखिए कांग्रेस के भाईचारा का मतलब है कि हम समझे भाई और वो समझे हाँ, चारा, भाईचारा का और मतलब हमारे बच्चे को चारा बना के नहीं लेंगे। रत्नाकर जी का फेडर बंद कीजिए। बीमारी है क्या रत्नाकर? बीमारी है कोई क्या? मिर्गी है क्या? धनंजय जी बोलिए फाइनल कमेंट टाइम प्लीज। ठीक है बंद करवा दिया, बोलिए धनंजय जी। देखिए जब हमारे केरल एसटीएफ की रिपोर्ट है 5000 केसेस की, केरल एसटीएफ ने केरल हाईकोर्ट में दिया, जब वहां के बीएस अच्युतानंद सीएम ने कहा कि 20 सालों में इनका एजेंडा है, एक प्रोपेगेंडा है, जब जस्टिस केटी शंकरन ने कहा हाँ। कि नहीं इलम जिहाद के मामले चल रहे हैं और उन्होंने बेल रिजेक्ट को पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, ये लगातार साक्ष्य है, ठीक है, ये लगातार साक्ष्य है और लगातार साक्ष्यों के आलोक में, और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है हाँ। एक महिला भी इसमें बैठी हुई है तो अरे 32,000 नहीं है, अरे 32,000 में 32 ही हो जाए, एक ही हो जाए, क्या वो सही है क्या वो गलत नहीं है? हमारी महिलाओं के हमारी हाँ, बड़े भाई मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए हाँ, शतरंज के खेल में राजा के उसी तरह इन्होंने इसका एग्जांपल स्क्रिप्ट पढ़ लो, ये गिर गए हैं। स्क्रिप्ट पढ़ के बोलो, बेचारे को मौका मिला नहीं। अरे नहीं, इनको कहीं मौका नहीं मिला है, एक पिक्चर नहीं है, एक सीरियल नहीं, ये स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रही है, चार अक्षर आता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और आपने देखा दी केरल फाइल जो मूवी बनी है उसके ऊपर किस तरीके से राजनीति हो रही है इस फिल्म को लेकर के। इसके संख्या 32,000 जिन लड़कियों के कन्वर्जन के की बात है उस पर राजनीति हो रही है। और साथ ही आपने खुद डायरेक्टर सुदीप्त सेन को भी सुना, उन्होंने फिल्म के बारे में क्या कुछ कहा। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना ना बोले प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।